हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र माथुर। आज मैं आपके सामने जो होंडा की मोस्ट पॉपुलर कार है होंडा ईवी में आई हुई है, होंडा सिटी ईवी एचवी के नाम से। और जो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने में बहुत ही प्यारी है। जो इसमें लाइटों का डिजाइन दे रखा है मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो इसमें क्रोम दी हुई है और अटैच में जो इसमें होंडा का लोगो दिया है वो गाड़ी की खूबसूरती को और इनहेंस कर रहा है। और जो फ्रंट ग्रिल है गाड़ी की वो काफी अच्छी है। और दोस्तों बिल्कुल स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है नीचे से बम्पर में, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। और नीचे आपको फोग लाइट मिल जाती है। और जो गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। आइए दोस्तों मैं आपको साइड प्रोफाइल और दिखाता हूँ। दोस्तों जो इसमें जो टायर साइज दिया हुआ है वो बहुत ही प्यारा दिया हुआ है, 185/55R 16 इंची में लाइविल दिया हुआ है। और डायमंड कट के अंदर काफी अच्छा अलाई व्हील दिया हुआ है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बॉडी कलर में आपको ORVM दिए हुए हैं, इसी में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, देखने में बहुत ही प्यारा है। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है। और दोस्तों जो इसमें हैंडल दिए हुए हैं वो सिल्वर में दिए हुए हैं, यहाँ आपको सेंसर मिल जाता है। जो गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है। और दोस्तों ये 27 की एवरेज निकाल के दे देती है और 40 लीटर में इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है। जो बैक प्रोफाइल है वो देखने में गाड़ी की काफी अच्छी लग रही है। यहाँ आपको डिफोगर मिल जाता है, ऊपर आपको सार्क एंटीना दिया हुआ है, यहाँ आपको ब्रेक लाइट दी हुई है, देखने में बहुत ही प्यारी है। और जो स्पॉइलर दिया हुआ है वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको EHEV की बैजिंग मिल जाती है, जो ब्रेक लाइट दी हुई है उनका डिजाइन देखने में बहुत ही प्यारा है। और इसमें आइस क्यूब में डिजाइन दिया हो बहुत ही, यहाँ आपको होंडा का लोगो मिल जाते हैं, होंडा सिटी की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आपको 4 सेंसर दिए हुए हैं, यहाँ आपको कैमरा ऑफर किया जा रहा है। और जो इसमें बम्पर में ये वाला डिजाइन दिया हुआ वो देखने में बहुत ही प्यारा है। आइए दोस्तों मैं आपको इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। दोस्तों जो इसका बूट स्पेस दिया हुआ वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप 3-4 बड़े बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं। नीचे आपको स्टेफनी मिल जाती है इसमें। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी हुई है। आइए दोस्तों मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर और दिखा देता हूँ, अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आपको जो इसकी सीटें दी हुई है उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जो इसके अंदर आपको 4 पावर विंडो मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ मिरर को एडजस्ट करने के लिए क्रोम में हैंडल दिया हुआ है, यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसका इंटीरियर है वो देखने में बहुत ही प्यारा है। दोस्तों जो इसमें इंटीरियर दिया हुआ वो बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक में दिया, नीचे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। और ये वाला डिजाइन दिया हुआ देखने में बहुत ही प्यारा है। जो इसके AC के ब्लोरो का डिजाइन है वो भी बिल्कुल यूनिक सा दिया हुआ, यहाँ आपको जो स्क्रीन ऑफर की हुई है उसके स्विच आपको भारी मिल जाते हैं। और नीचे आपको ऑटोमेटिक AC दिया हुआ, यहाँ आपको 2 चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ आप फोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ आपको इको मोड दिया हुआ है, ऑटोमेटिक में ये वाला वेरिएंट आता, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको। और दोस्तों जो इसका स्टेयरिंग दिया हुआ उसका भी डिजाइन देखने में बहुत ही प्यारा, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, सोर्स वगैरह के लिए, फोन उठाने काटने के लिए क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, एडेप्टिक क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इसमें आपको। यहाँ जो दोस्तों जो इसके स्टेयरिंग में लोगो दिया हुआ होंडा का वो इसकी खूबसूरती को और इनहेंस कर रहा है। और दोस्तों जो इसकी की दी हुई है वो बिल्कुल यूनिक सी दी हुई है, देखने में बहुत ही प्यारा है। इस यहीं से आप बूट ओपन कर सकते हैं और लॉक अनलॉक कर सकते हैं, काफी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। आइए दोस्तों मैं आपको जो इसका ट्रांसमिशन है वो और दिखा देता हूँ। यहाँ आपको पावर का स्विच दिया हुआ है, यहाँ से आप लाइटों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको फोन चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं अपने फोन की। जो आर्म रेस्ट का साइज दिया हुआ वो देखने में काफी प्यारा है और स्पेस भी इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों ग्लो बॉक्स का साइज भी काफी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ भी दोस्तों आपको मिरर दिया हुआ है, यहाँ आपको 2 लाइटें दी हुई हैं, यहाँ से आप
जो सनरूफ है उसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ आपको माइक मिल जाता है। और जो सनरूफ का साइज दिया हुआ है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है, गाड़ी अंदर से काफी प्रीमियम फील करवा रही है। जो गाड़ी का थाई स्पोर्ट है वो काफी अच्छा, और जो सीट की क्वालिटी दे रखी है फैब्रिक की वो काफी अच्छी है, काफी अच्छा लेदर दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसमें हेडरेस्ट है उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट वाले को बैक वाले अटैच दिए हुए हैं, टोटल इसमें 5 हेडरेस्ट दिए हुए हैं। आइए दोस्तों मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ, पीछे आपको कितना क्या स्पेस मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आपको 1 लीटर बोतल ऑर्डर मिल जाते हैं, आप पावर विंडो मिल जाता है, और पीछे आपको टूटल दिए हुए हैं, स्पीकर मिल जाते हैं, और जो पीछे आर्म रेस्ट दिया हुआ है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और जो एसी के बोलेरो को आप यहीं से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है, और दोस्तों गाड़ी अंदर से काफी प्रीमियम फील करवा रही है। जो फ्रंट प्रोफाइल है, जो अंदर से इंटीरियर है काफी अच्छा है। वैसे दोस्तों मेरी हाइट 5'11" है, उसके हिसाब से आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ आपको दोस्तों लाइट मिल जाती है, आपको हैंडल मिल जाता है, और ये जो पीछे वाले हेडरेस्ट दिए हुए हैं वो अटैच दिए हुए, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों गाड़ी के अंदर सेफ्टी का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, काफी अच्छी गाड़ी बनाई है होंडा सिटी ईवी में। दोस्तों ये आपको ईवी मोड में मिल जाती है, हाइब्रिड ड्राइविंग मोड के अंदर, और साथ में इंजन ड्राइव मोड भी है, और काफी अच्छी पावर निकाल के देती है आपको। पेट्रोल में ईवी काफी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, ये 27 की एवरेज मिल जाती है आपको। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।